हेलो मेरे फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेज में। आज मुझे थोड़ा कॉपी पर बनाना पड़ रहा है क्योंकि लाइट की बहुत ही प्रॉब्लम, तो थोड़ा ट्रांसफार्मर जो है जल गया है, तो इसीलिए मुझे कॉपी पर आज आपको बनाना पड़ रहा है आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर इसका टेस्ट होने वाला है या अदर समथिंग कुछ, तो बहुत सारे कमेंट आए। मैंने कल ही बनाने के लिए कहा था लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, आज मैं बना रहा हूँ इसका वीडियो। और इसके दो क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं, और ये आपको पता है हम पढ़ रहे हैं इस समय सांख्यिकी प्रकीर्णन की माप, और ये 23वां चैप्टर आपका है। इसका एक वीडियो मैंने आपको दिया है जिसमें केवल मैंने आपको बताया है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, और आज का हमारा टॉपिक है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन है। और पहले हमने क्या पढ़ा था, ये आपका जो है क्वेश्चन माध्यिका के सापेक्ष है, और हमने पहले इसके माध्य के सापेक्ष पढ़ा है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम इसको सीरीज में कर लेंगे, एक नंबर में घटते या बढ़ते क्रम में। तो देखते हैं, सबसे पहले बढ़ते क्रम में करते हैं, तो ये 30 हो जाएगा आपका, उसके बाद आपका क्या होगा, 30 के बाद है 34 हो गया, 34 के बाद में आपका 34 भी हो गया, उसके बाद क्या होगा 38, 38 भी हो गया, 38 के बाद 40, 40 के बाद आपका हो जाएगा 42, 42 के बाद में आपका होगा क्या 44, 44 के बाद में है आपका 50, 50 के बाद में है 51, 51 के बाद में है 60, और 60 के बाद में है 66। काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर भी काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि नंबर कितने हैं आपके 10। 10 का मतलब क्या होता है, सम का है ये, तो सम का निकालने के लिए आपने कक्षा 10 में भी सूत्र पढ़ा होगा इसको, कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा होगा इसके सूत्र बहुत सारे इस्तेमाल किए जाएंगे यहाँ पर। तो कक्षा 10 में आपने पढ़ा था इसके लिए सम के लिए, ये होता है एन बटे टूवां पद, टूवां पद प्लस एन बटे 2 प्लस 1 वां पद, और पूरे 1/2 हो जाता है। तो n कितने हैं आपके 10, तो 10 वां पद होगा, और प्लस 10/2 प्लस 1 वां पद होगा, और होल अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहां पर भी 2, तो 2 5 हो जाएगा, यहां भी 5 हो जाएगा, यानी कि पांचवा और छठा पद। तो यहां से पहले हम एक थोड़ा सा आसानी के लिए कॉलम नुमा बना लेते हैं इसको हम, जिसे आपको आसानी रहेगी। ये आपका जो है, ये आपका दिया गया है बारंबार, ये दिया गया है आपका x, और आपको निकालना है इसमें से x माइनस एम ई निकालना है। तो x जो है वो क्या दिया गया है आपको, ये आपके x की वैल्यूज हैं 30, 34, 38, 40, 42, 44, 50, 51, 60 और 66, ये आपको इसकी वैल्यूज दी गई हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से आप जो है इसमें देखेंगे कि पांचवा और छठा पद कौन सा है, तो पांचवा पद 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा पद आपका 42 है और छठा आपका 44 है, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये 8/2, इसको क्रॉस करेंगे तो आपका 43, यानी कि आपका जो एम ई जो है, ये आपने जो निकाला है वो एम ई है, तो एम ई आपका कितना निकला है 43 निकला है। आप देख रहे हैं कि x माइनस मॉड एम ई निकालना है, तो x माइनस मॉड एम ई जब आप निकालोगे तो मॉड जब लगा हुआ है तो प्लस का भी होगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि सारे x हैं, इसमें से आपको ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ कि अगर x का मान दिया गया है 30 और माइनस का है 43 और मॉड में दिया गया है तो ये माइनस का होगा, लेकिन मॉड से बाहर निकलेंगे तो कितना इसका हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13, 43 से फिर इसको निकालेंगे तो 9, फिर इसको जब निकालेंगे तो 5, यहाँ पर 3, फिर 42 निकालेंगे तो 1, इसको 44 निकालेंगे तो फिर 1, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर 8, और फिर आपका जब ये सॉल्व होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 होगा, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा निकालेंगे इसको तो ये आपका
छः से तीन निकलेगा कितना बचेगा, तीन, और उसके बाद में दो। यहाँ पर देख लीजिए ये आपका हो गया। अब उसके बाद में इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, इसको आप टोटल करेंगे, ये जो वैल्यूज़ है इसको आप इसका समीशन करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे, तो इसका टोटल जो है आपका ऐसे इसको लिखना होगा एम ई, और ये आपका टोटल कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 87। अब यहाँ से आपको एक सूत्र इस्तेमाल करना होगा माध्य विचलन का, माध्यिका के लिए माध्य विचलन, माध्य विचलन माध्यिका के लिए, तो ये होता है सिग्मा एक्स मॉड एम ई अपॉन सिग्मा एफ ओ, सिग्मा ये सॉरी यहाँ पर केवल एन होगा, ये आपका एन, तो ये कितना हो गया, ये जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपका आया है 87 और ये आपका आया है 10, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.7, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जब निम्नलिखित कोई भी आंकड़ों का माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकाला जाएगा तो इसी प्रकार से आपको निकालना होगा, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसका अगला क्वेश्चन इसी चैप्टर का है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है बनाना जो है बहुत मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बहुत है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने बना दिया है और उसी प्रकार के जो क्वेश्चन है मैंने उसको छोड़ दिया है, आप उसको करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है आपको, समांतर माध्य के सापेक्ष आपको माध्य विचलन निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये आपका क्वेश्चन, और ज़्यादा ट्रिपिकल ये भी नहीं है, इसको भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें भी नहीं होने वाली है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें वर्गांतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है, तो पहले हम बता दें कि इसके लिए सारणी आप पहले बनाएं कैसे बनाएंगे, ये एफ हो जाएगा, उसके बाद इसका मध्यमान निकालेंगे वो आपका एक्स हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, फलन का और मध्यमान का मल्टीप्लाई करेंगे, ये अभी कक्षा 10 तक हम करते आए हैं। फिर यहाँ पर एक अलग से काम करेंगे, x माइनस मॉड x बार निकालना होगा, और ये आपका फिर f मॉड x माइनस x बार निकालना होगा। ये इतनी सारणी में आपके इतने कॉलम होंगे, और इस प्रकार से आप समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकाल सकते हैं। तो बारंबारता हमने लिखा नहीं है, लेकिन बारंबारता आपको दी गई है, क्वेश्चन में दिया गया है, ये आपका 8 है, 10 दिया गया है, 12 है, और ये 9 है, और ये आपका 5 है। अब यहाँ से आप मध्यमान निकालोगे, तो कक्षा 10 में भी आपने मध्यमान निकाला है, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, तो 0 में 6 जोड़कर भाग करेंगे तो कितना आएगा 3, 6 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18, 18 को 2 से भाग करेंगे 9, देख रहे हैं दोनों में गैप कितने का है 6-6 का, तो 6-6 बढ़ाते चले जाइए 15 हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा, और ये आपका 27 हो जाएगा। ये सिस्टम सभी में लागू नहीं होता, कभी कभी ये लोग घटा बढ़ा देते हैं वर्गांतराल को, बहुत रेयर कंडीशन में, नहीं तो ज़्यादातर ये हम लोग की प्रोसेस काम दे देती है। यहाँ पर सब सॉल्व कर देंगे इसको, जब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 24, और ये आपका हो जाएगा 90, फिर इसको जब करेंगे तो 180 हो जाएगा, फिर इसको जब करेंगे तो 9 9 दुनी 18, 189 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो 7 5 35 और 5 2 10 3 13, 135 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों को समीशन करते चलना है, तो इसको हम एफ एक्स को है क्या करेंगे, ये हमारा सिग्मा एफ एक्स है, इसको हम ऐड कर लेंगे, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 618 आ जाएगा, और बारंबारता को भी कंप्लीट करेंगे आप तो f बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 44 हो जाएगा। अब उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर अब यहाँ से x बार से आपको इसको मान निकालना है, x बार से आप इसका मान निकालोगे, तो वो देखिए कैसे करेंगे, x बार से इसका मान जब निकालेंगे तो कितना होगा, और रफ यहाँ पर आपको लेकर बैठना है, बिना रफ के आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे कुछ भी यहाँ पर, तो रफ को लेकर ही यहाँ पर बैठना पड़ेगा आपको। तो x में से आपको x बार निकालना है, तो x आपका ये है, तो ती अब यहाँ से माड में है तो प्लस में भी माइनस में भी होगा तभी प्लस होगा, और प्लस में होगा तो प्लस में रखेंगे ही, तो क्या करेंगे आपका जो x बार पहले आप निकालोगे, तो x बार निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपका
एक्स बार इज इक्वल टू फार्मूला होता है जो पहले होता था सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ, तो कितना हो जाएगा 618/44। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, इसको जब हम क्रॉस कर देंगे तो ये आपका जो हल होने के बाद ये आपका आंसर आएगा 14 दशमलव समथिंग कुछ आ जाएगा। इसको डिवाइड करके आप देखिएगा ऐसे कुछ आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये जो है मान आप इसमें से घटाना स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर इस चीज़ को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये बहुत लोवेस्ट है, तो 14 से ही हम क्या करें इसको माइनस करना स्टार्ट कर देंगे। हम यहाँ पर मान लेंगे कि माध्य हमारा कितना आया है 14 को हम मान लेंगे माध्य, तो अब 11 से आप इसको माइनस कर दीजिए, जबकि ये बाद में है, ये इस 3 में से माइनस का 14 होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर जब करेंगे तो आपका प्लस का 11 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, इसको जब करेंगे तो आपका 1 आएगा, ये 7 आ जाएगा और ये आपका 13 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब देख रहे हैं यहाँ पर ये सारणी बनी हुई है, तो अब इसमें जो है आपको एफ से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा 11 8 88 10 5 50 12 फिर 9 7 63 और यहाँ पर हो जाएगा 13 5 65। अब इसको भी आप समीशन कर देंगे, इसका भी ऐड करेंगे आप सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार, तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा 278 आ जाएगा। अब आपको माध्य विचलन निकालना है, तो माध्य विचलन आपको जब निकालना है तो माध्य विचलन के लिए यहाँ पर सूत्र यहाँ पर होता है सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में सिग्मा एफ होता है। तो यहाँ से फिर आप क्या करोगे, इसका मान आपने टोटल किया तो 278 आया और एफ की वैल्यू कितनी है 44 है। अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर जो है वो आएगा कितना, ये लगभग 6.3 आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया है, क्यों इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको जो है रफ पेन लेकर ही यहाँ पर क्या करना होगा बैठना होगा, वरना आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं, सभी का मैंने एक एक प्रकार लेने का प्रयास किया है कि सभी के आपके एक एक प्रकार लगभग हो जाएं, तो उसी प्रकार से मैंने क्वेश्चन को प्रोवाइड करने का आपको प्रयास किया है कि सभी प्रकार के आपके एक एक क्वेश्चन जरूर हो जाएं, जिसमें आप ये ना कह पाएं कि ये क्वेश्चन इस तरीका का क्वेश्चन आपने नहीं बताया है। तो ये क्वेश्चन है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि प्रेक्षणों का माध्य आपको निकालना है, प्रेक्षणों का माध्य व विचलन, माध्य व माध्य विचलन आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ पर दिया गया 56, 63 और 70 इस प्रकार से दिया गया है आपको, और यहाँ पर f का मान हमने छोड़ दिया है, तो बुक में जरा हम देखेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको दिया गया है 3, 6, 14, 16, 13, 6 और 2 ये दिया गया है। तो अब ये दिया गया है, अब इसके बाद आपको पता है कि इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें निकालना है माध्य व माध्य विचलन। तो माध्य व माध्य विचलन निकालने के लिए हमने बताया है आपको कि कौन कौन सी चीज़ों को की सीरीज आपको बनानी पड़ती है, तो उन सीरीजों को पहले हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम माध्य विचलन देखिए कैसे निकालते हैं, बार बार जो है लाइट की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, 2 दिन से नहीं आ रही है, तो सब कुछ बैठ चुका है, इन्वर्टर भी बैठ गया है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उससे हो रही है। चलिए देखते हैं, किसी प्रकार से हम आपको कुछ क्वेश्चन जो है ज़रूर दे देंगे आज। अब यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया है, अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ सीरीज होती हैं, पहले सीरीज हम बता दें कौन कौन सी निकालनी पड़ती हैं आपको, x माइनस a निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पर f मॉड x माइनस a निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको x माइनस m निकालना पड़ेगा, और फिर आपको f मॉड x माइनस m निकालना पड़ेगा। इतना चीज आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ ये सीरीज मैंने बना दी, इसके लिए आसानी के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें हमें निकालनी होगी, उन्हीं चीज़ों को हमें निकालना होगा, बस ये कर रहे हैं। प्रेक्षणों का माध्य व माध्य विचलन दोनों चीज़ें यहाँ पर निकालना हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले
वो चीज़ देखेंगे, माध्य का सिस्टम हम बनाएंगे कि पहले माध्य कौन सा हमारा बन रहा है। तो इसके लिए हम कल्पित माध्य की तरह जिसे हम करते थे उस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मिड पॉइंट हमारा कौन सा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीच का पद ही हम ले लेते हैं, वही हमारा ए हो जाता है, वही हमारा क्या हो जाएगा ए, ए कितना हो जाएगा यहाँ पर 77 हो जाएगा। दिक्कत तब होती है कि जब सम संख्याएं होती हैं तब दिक्कत होगी, लेकिन उस प्रकार के जब क्वेश्चन आएंगे तो देखा जाएगा उसमें। उसमें हम प्रयास ये करते हैं कि ऊपर से कम ना हो, नीचे से कम हो जाए तो चलेगा। जैसे अगर 8 होती हैं तो ऊपर से 4 छोड़ देते हैं, पांचवी को हम ले लेते हैं, और यहाँ पर जो है मध्य को ही लेंगे, तो ये आपका 77 हो गया है। उसके बाद चलिए देखते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ से एक्स माइनस ए करेंगे, तो ये आपका x है और एक कितना आया है 77, तो यहाँ से पहले इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ, अगर इसको जब करेंगे 77 से 56 निकालेंगे तो माइनस का 21 आ जाएगा, इसको जब निकालेंगे तो माइनस का 14 आएगा, फिर आपको इसको जब निकालना होगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 77 से 0 हो जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा, ये आपका 14 आएगा, और ये वाला जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 21 आ जाएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पर ये माड में चला जाएगा तो सारे प्लस के हो जाएंगे, ये माड में जैसे गया यहाँ पर माड में कर दिया इसको, तो ये माड में सारे प्लस के हो जाएंगे, माइनस का कुछ नहीं बचेगा। अब एफ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 यहीं कितना हो जाएगा 63, फिर उसके बाद में जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 हो गया, और उसके बाद 14 6 84 हो जाएगा, फिर 14 7 98, फिर ये 0 हो जाएगा, 13 7 कितने होंगे 91, 14 6 84 और 21 2 42 इतना हो गया। अब क्या करेंगे आप, ये आपकी कंडीशन अलॉट हो गई है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर पहले हम सारी सीरीज को निकालेंगे, उसके बाद में हम लोग जो करना होगा हमें करेंगे। तो ये चीज़ हो गया, या हम एक एक स्टेप्स को निकालते चलते हैं। सबसे पहले इसने कहा कि माध्य आपको निकालना है, तो माध्य के लिए आपको क्या करना होगा, इसका सूत्र होता है m बराबर a प्लस सिग्मा f और x माइनस a हो जाएगा, x माइनस a हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ये ब्रैकेट में ही रहेगा, तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 12 जो है आपकी आ जाएगी 16, और यहाँ पर जब आप करोगे इसका तो प्लस का आपका आ जाएगा माइनस का 161, और ये प्लस का माइनस का 161 आएगा, और ये आपका 133 आ जाएगा। तो टोटल आपका कितना बचेगा, माइनस का 28 बच जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 28 आपका हो जाएगा। यहाँ पर हमने मिस्टेक किया था, माड नहीं होता है, माड कल इसमें होता है। तो यहाँ पर अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, इसका सवाल फार्मूला सिग्मा एफ लगाएंगे यहाँ, तो जब सिग्मा एफ करेंगे तो अब इसकी वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 77, और ये निकाला है हमने कितना माइनस का 28 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये सिग्मा एफ हो जाएगा 60। अब यहाँ पर जब और सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77 माइनस का 28 अपॉन कितना 60। तो यहाँ से आप इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 7 हो जाएगा और ये आपका 15 आ जाएगा। अब जब आप इसको ज़्यादा कैलकुलेट करेंगे, पूरा अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लोगे, तो आपका ये आंसर जो है वो आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना 66.53, और यही आपका आंसर जो है माध्य का आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, अब हमें काम करना है माध्य विचलन के लिए। माध्य विचलन के लिए जब काम करेंगे हम, तो हमें एमी निकालना होगा, हमें निकालना होगा क्या एमी। तो एमी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये चीज़ें भी हमें ध्यान देनी है। एमी तो हमने निकाल लिया है, ये मान जो है आपका एमी का है। अब यहाँ पर एक्स से एमी को माइनस करना है, एक्स से एमी को माइनस करना है। तो अब 56 से जब हम 76, ये हमारा देखिए कितना आया है, हमारा जो एमी जो है वो कितना आया है, ये हमारा आ गया है 76 माइनस 53 आया है, 76.53 आ गया है ये। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो अब हमको इसमें से इसको माइनस करना है एक्स में से, तो एक्स में से जब इसको घटाते जाएंगे तो हमारा माइनस का आएगा, लेकिन माड लगा हुआ है तो ये सारे आपके प्लस के होते चले जाएंगे। तो इसमें से करेंगे तो
20.53 होगा। फिर उसके बाद इसको करेंगे तो 13.53 होगा। फिर ये 6.53 हो जाएगा, इसको जब करेंगे तो 4.47 आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो करेंगे तो 7.47, फिर ये हो जाएगा आपका 14.47। और जब इसमें से 76.5398 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, 21.47। यहाँ पर मार्ट लगा हुआ है इसलिए माइनस के जो होंगे वो भी प्लस के हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसको आपको एफ से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 61.59। और इसको जब करेंगे तो एंड सो ऑन इसी प्रकार से हम करते चले जाएंगे इसको मल्टीप्लाई, तो 91.42 हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो 7.52 होगा, ये जब करेंगे तो 97.11 होगा। फिर 86. कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। और 42. कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। अब इसको भी हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। जब हम ऐड करेंगे तो 468.58 आ जाएगा, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद में आपको निकालना है इसका क्या, अब इसको हमें निकालना है माध्य विचलन। तो माध्य विचलन इसका निकालना है, तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस एमई अपॉन सिग्मा एफ हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 468.58, और एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। जब इसको कट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जो आपको आंसर चाहिए था वही आंसर आपको आ जाएगा। आपका आंसर आएगा लगभग इसमें सॉल्व करने पर 7.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7.8 आ जाएगा, 81 समथिंग आएगा। तो ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया। इस प्रकार से हमने निकाल लिया इसका माध्य विचलन। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसमें, आपको कैलकुलेट करते रहना है। केवल ये समझना है कि आपको करना क्या है, किसी चीज़ में क्या करना है, तो कौन सी चीज़ आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं अपना। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। माध्य के सापेक्ष आपको निकालना है, सॉरी माध्यिका के सापेक्ष आपको माध्य विचलन आपको निकालना है। माध्यिका के सापेक्ष आपको माध्य विचलन इसमें निकालना है। तो इसमें पहले हम देख लें क्या क्या निकालना होता है जब इस प्रकार की कंडीशन दी रहती है। तो यहाँ पर आपको पहले सी एफ निकालना होगा। यहाँ पर मॉड एक्स माइनस एम ई, और एक और आपको निकालना होगा यहाँ पर एफ मॉड एक्स माइनस एम ई निकालना होगा। कुछ लोगों को लग रहा था कि इसीलिए सर नहीं बता रहे हैं कि इसमें जो कैलकुलेशन ज़्यादा है, वाकई में इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इससे पीछे हट रहा था। लेकिन कमेंट बहुत आए, लेकिन मुझे बनाना पड़ा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब कैलकुलेशन ज़्यादा होता है तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा देखते नहीं हैं, मेहनत बहुत पड़ती है, लेकिन आप लाइक और शेयर भी नहीं करते हैं इसको। चलिए बना रहे हैं, ये हो जाएगा सी एफ निकालना आपको पता है 2। और इसमें मतलब कि जो फलन जो होता है, जो यानी बारबारता होता है, उसी में हम एक दूसरे को जोड़ते चले जाते हैं 2, और ये हो जाएगा 4 2 6 6 5 11 11 3 14 14 2 16 16 1 17 17 4 21, ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एम ई निकालना है यहाँ पर। तो एम ई निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर दूसरे प्रकार से निकालेंगे एम ई। तो यहाँ पर एम जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये बारंबारता कितना है, बारंबारता टोटल आपका है 21। तो 21 है, यानी कि एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर विषम संख्या में n प्लस 1/2 करते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 22/2, यानी कि आपका कितना आ जाएगा यहाँ, 11 आ जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते थे, 21/2 से के हिसाब से भी कर सकते थे। तो यहाँ पर जब इसको करेंगे तो यहाँ पर हम ये देखना है कि 11 जो है किस में आ रहा है। तो 11 जो है आपका यहाँ पर 8 में आ रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, m जो है आपका 8 हो जाएगा। m कितना हो जाएगा आपका, m का मान जो है यहाँ पर आपका 8 निकल जाएगा, 8 हो गया। अब इसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो x आपको माइनस करना है, तो x आप माइनस करोगे और मॉड लगा हुआ है तो सारे प्लस के आएंगे। तो 8 से 4 गया तो आपका कितना बचेगा, 4। इसी प्रकार से जब हम करते जाएंगे तो आपका यहाँ पर 2 बचेगा,
ये जीरो हो जाएगा, फिर ये टू होगा, फिर ये आपका फोर हो जाएगा, और फिर यहाँ से जब करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सब आपको वही निकालना है, ये आपका सिक्स हो जाएगा और आपका ये जो है आपका एट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, एट होगा, ये भी आपका एट हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको करते चले जाएंगे तो ये इस प्रकार से आपका मल्टीप्लाई जो है वो होता चला जाएगा, सिक्स एट, फिर यहाँ पर सिक्स आ जाएगा और ये आपका 32 आ जाएगा। इसको आप टोटल करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 68 आ जाएगा टोटल यहाँ पर। अब उसके बाद आपको माध्य विचलन निकालना है, माध्य यहाँ पर निकाल लेते हैं, माध्य विचलन आपको निकालना है इसका, तो ये आपका सूत्र हो जाता है सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस एम ई अपॉन सिग्मा एफ, तो ये कितना हो जाएगा 68 अपॉन कितना 21। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 3.2 समथिंग आएगा, कितना आएगा 3.2 समथिंग, आप करके देख लीजिए इसको, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3.24 समथिंग आएगा। आप इसको भाग कर सकते हैं यहाँ पर 21 से 63 तीन बार ऐसे चला जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बता दें आपको बहुलक का, जिससे कि इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ये पूरा हमारा जो पहला अभ्यास जो है वो फिनिश हो जाए। तो यहाँ पर देख लेते हैं बहुलक के सापेक्ष माध्य विचलन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखना होगा कि कौन कौन सी सीरीज आपको बनानी होंगी। यहाँ पर पहले आपको लेना होगा x निकालना होगा, फिर दूसरा होगा मॉड x माइनस एम ओ, फलन को हम m, फलन की माध्यिका को एम ओ बोलते हैं, और ये f हो जाएगा और मॉड x माइनस एम ओ ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, x निकालना आसान है, 14 और 15 कितने हो जाएंगे, 14 15 को जोड़ देंगे और दो से भाग कर देंगे, 14 15 29 इसका हो जाता है 14.5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 15 16 31 इसका हो जाएगा कितना, 15.5 16.5 फिर 17.5 18.5 19। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि सभी में हमने देख लिया वर्गंतराल में एक एक का अंतर केवल जा रहा है बस। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है हल्का सा तगड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए यहाँ पर आपको निकालने के लिए। बहुलक आप निकालते थे तो क्या करते थे, जिसमें बहुलता जो है ज़्यादा होती थी उसको हम लोग ले लेते थे, तो इसमें बहुलता ज़्यादा इसकी 18 की है, तो यहाँ पर 18 जो है आपका क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे एफ जीरो हो जाएगा, और फिर आपका नहीं सॉरी यहाँ पर ये जिसको ये ऑन होता है वो एफ वन हो जाएगा, इसके ऊपर का एफ टू एफ वन हो जाएगा, और ये आपका एफ टू हो जाएगा। ये तीन चीज़ें हो गई, और इसका जो वर्गंतराल का जो निम्न होगा वही आपका L होगा, तो L का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, L का मान 17 हो गया, F1 का मान यहाँ पर आपका आ गया 10, और फिर F2 का मान कितना आ जाएगा, F2 का मान आ जाएगा यहाँ पर 9, और फिर F0 कितना है वो आपका हो जाएगा 18। ये चीज़ें आ गई, उसके बाद आपको क्या करना है ये देखना है, और आपका एक चीज़ और निकलता था उस समय, एच निकालते थे हम कक्षा 10 में, यहाँ पर भी निकालेंगे। एच क्या होता है, इन दोनों का अंतर, 18 17 निकला तो 1 हुआ, 1 बच जाएगा। और यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अब सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे हम, तो सूत्र क्या होता है, सूत्र जो होता है इसका एमओ निकालने का, एमओ निकालने के लिए सूत्र का इस्तेमाल हम करेंगे जो हम पहले करते थे, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे 2F1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, ये होता है। इस सूत्र से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो L का मान आपका कितना है 17 प्लस F1 की वैल्यू आपने निकाली है 10, और ये आप एफ जीरो कितना है 18। यहाँ पर हम लोग थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पर F1 की वैल्यू है 18, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, F1 की वैल्यू 18 है और एफ वन ये आपका एफ वन नहीं, ये सॉरी आपका जीरो होगा, यहाँ पर हमने मिस्टेक किया है। एफ जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ जीरो जो है आपकी 10 होगी और ये आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और वो 9 होगा, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक था। एफ वन की वैल्यू हो जाएगी 18, ये आपका हो जाएगा जीरो, फिर यहाँ पर टू एफ वन का मान कितना हो जाएगा, एफ वन का मान है आपका
18 और माइनस का, फिर एफ जीरो कितना है वो है आपका 10 और एफ टू कितना है वो आपका 9 है और इंटू एच, एच का मान 1 रख देंगे। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 17 और ये आपका हो जाएगा 8 अपॉन यहाँ पर 36 माइनस का 19 इंटू 1। फिर सॉल्व करेंगे इसको, 17 प्लस 8 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 17 आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे पूरी तरह से तो ये आपका हो जाएगा 289, 17 को 17 से करेंगे 289 और 8 जोड़ देंगे उसमें तो कितना हो जाएगा 297/17। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जाएगा 17.47। तो ये आपका एमओ का मान निकला है, किसका मान निकला है, एमओ का मान आपका निकला है 17.47 ये हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर एमओ की वैल्यू निकाल ली है, अब यहाँ से क्या करना है, एक्स से, एक्स जो होता है मध्यमान होता है, इसमें से आपको एमओ निकालते रहना है। तो निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आप देखिए 17.47 से आपको निकालना है ये, तो आपका ये मान बचेगा 2.97। फिर एमओ से इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1.97। ये माइनस के आएंगे लेकिन मार लगा हुआ है इसलिए प्लस हो जाएगा, यहाँ पर फिर 0.97 हो जाएगा, ये आपका 0.03 होगा, इसको जब करेंगे तो आपका 1.03 हो जाएगा, ये जब करेंगे तो आपका 2.03 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको जो है हम एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11.88, ये आपका हो जाएगा 11.82, फिर 9.70 और ये हो जाएगा 0.54 और ये हो जाएगा 9.27 और ये आपको हो जाएगा 6.09। अब इसको आपको करना है ऐड, इसको आप ऐड कर लीजिए, इसको जब आप ऐड करेंगे तो 14.49.30 आपका हो जाएगा और यहाँ से आपको बारंबारता को भी ऐड करना होगा। तो बारंबारता को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से बारंबारता को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4, 6, 10, 10, 10, 20, 20, 18, 38, 38, 9, 47, 47, 3, 50, ये आपका हो जाएगा 50। अब यहाँ से आपको मान निकाल लेना है माध्य विचलन का, तो इसका माध्य विचलन आपका क्या होगा, माध्य विचलन, माध्य विचलन के लिए आपका यहाँ सूत्र क्या होगा, यहाँ से आप करोगे सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस एमओ अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ से जब आपने इसका मान निकाला तो कितना आया 49.30 और एफ का मान जब आपने निकाला तो कितना आ जाएगा 50। अब इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.986, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को पूरा, इस अभ्यास को पूरा ख़त्म करने का प्रयास किया है। लेकिन अभी भी अगर आपको लग रहा हो कि कोई सवाल आपको दिक्कत कर रहा है तो आप उसमें कमेंट करिएगा, और इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं ये मान रहा हूँ कि अभ्यास हमारा पूरा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, सभी में के एक एक क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले, और ये बहुत ही कैलकुलेटिव वीडियो था इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगा।